तो अब देखो सबसे पहले हम इसमें चेक कर रहे हैं कि अपने को ये वाली डिजाइन बनानी है, ठीक है। जब मेरे को ये वाली डिजाइन बनानी है तो मेरे को ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास वो कलर बार होता है अपने पास में, तो ये मानो ये अपना कलर बार हो गया, ये रहा, ठीक है, जहां पे हम कलर बनाते हैं ग्रेडियंट का, ये स्टार्टिंग और ये लास्ट, ठीक है। अब मेरे को इस पहली चीज, इसमें कहीं भी कट नहीं दिख रहा है, कलर मर्ज होते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों तरफ एक ही कलर होगा जब मर्ज हो रहा है, तो बीच में कट कहीं नहीं लग रहा है। तो अपने को कोई ना कोई ऐसा एरिया डिसाइड करना पड़ेगा जिसको हम बोले कि वो सिंगल वाला एरिया है, सिंगल बोल सकते हो या उसको बोल सकते हो कि भाई उस पे दोनों तरफ सेम कलर्स हो, तो एक पॉइंट है जिसपे मेरे को दोनों तरफ सेम कलर रखने हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं दोनों तरफ एक कलर बना लूं, ठीक है। तो अब जैसे सपोज इसमें मैंने बोला कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट होगा जिसमें दो कलर होंगे, मतलब फर्स्ट 0 लोकेशन पे भी ये होगा और 100 लोकेशन पे भी ये होगा, तो ये हो गई हमारी 0 लोकेशन और ये हो गई हमारी 100 लोकेशन, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं डार्क रेड कलर, मरून बोलते हैं हम इसको, चलो ठीक है। तो दोनों तरफ ये कलर हो गया, चलो एक काम तो अपना खत्म कि ये कलर हमने बना लिया। अब जब मैंने 0 और 100 ये लिया तो अब इसका 50 कहां होगा, इसके सामने मतलब ये वाला पॉइंट, इस पे भी सेम कलर है, तो सपोज ये मेरा 50 लोकेशन हो गई, ये हो गई लोकेशन 50 और इस पे भी हो गया M। अब ये 0 ये 50, अब हम देख रहे हैं ये हाफ और ये हाफ दोनों सेम है, इस हाफ को भी हम हाफ करें तो ये इसका हाफ हो गया, तो ये हो गया 25। तो 25 पे मेरे पास आ गया है वाइट कलर, ठीक है। अब 25 को भी इधर आ जाओ तो ये 0 ये 25 और यहाँ दो कलर और दिख रहे हैं मेरे, ठीक है, एक ऑरेंज है और एक रेड है। तो 0 और 25 के बीच में दो दो पॉइंट बनाओ तो एक तो बन गया 8, एक बन गया 16। तो 8 पे तो हो गया रेड, 16 पे हो गया ऑरेंज, इस पे हो गया व्हाइट, बस खत्म, बन गए सारे कलर अपने। अब ये व्हाइट और ऑरेंज में कितना डिफरेंस है, 16 + 9 करेंगे तो 25 आएगा, 25 + 9 करेंगे तो आएगा 34। 34 पे कौन सा कलर हो गया, अब ऑरेंज अगेन, ये देखो ये वहां पे वापस ऑरेंज, फिर रेड आएगा। अब ऑरेंज और रेड में डिफरेंस है 8 का, तो 34 + 8 ये हो गया 42, 42 पे आ गया रेड, येलो। अब येलो आधी सीढ़ी अपनी बन गई, अब आधी बची है। अब सेम इस डायमेंशन के हिसाब से इधर ले लो, जैसे 25 पे व्हाइट है तो उधर 75 पे व्हाइट ले लो, कि ये हो गया 75, इस पे हो गया व्हाइट कलर, ठीक है, 75 पे व्हाइट हो गया। अब मेरे को देखना है कि ये इधर 50 से माइनस करेंगे 8 पे 42 है, तो यहाँ हो गया 58, 58 पे हो गया रेड, और इससे हम पीछे चल रहे हैं तो 42 और 34 वापस 8 का डिफरेंस हो गया इसमें, ठीक है। तो 58 + 8 हो गया 66, ठीक है, 66 पे कलर हो गया ऑरेंज, ठीक है, रेड ऑरेंज व्हाइट। फिर इधर आ जाओ, अब इसमें जो जो डिफरेंस है यहां लगा, तो यहां भी दो पॉइंट बनेंगे, 70 ये क्या था, 66 था ऑरेंज प्लस 8, 74 था ये, 25 + 34 9 है ना, ये 75 हो गए, तो प्लस 34 मतलब ये हो गया 9 अगेन, तो 75 + 9 84, ठीक है, 84 + 8 हो गया 92, तो वाइट फिर ऑरेंज और रेड। ये बताओ ये चीज समझ में आई क्या, पहले 8 का मल्टीपल क्या सोच के लिया, क्या सोच के नहीं लिया, सामने दिख रहा है अपने को 0 और 50 पे एक कलर है, 50 को हाफ किया तो 25 आया, तो मेरे को जब 0 और 25 के बीच में दो इक्वल गैप रखने हैं तो कौन सा नंबर लेंगे ये बताओ आप, 0 और 25 में दो स्पेसेस और देने हैं अपने को, तो कौन कौन से गैप होंगे, कितने कितने गैप होंगे, 6 का भी तो ले सकते थे, 6 का लेंगे तो 25 आ जाएगा 3 टाइम में, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, ये तो बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे, तो 4 बन जाएंगे, अच्छा मतलब जो पास में, ठीक है, 0 to 8 हो गया, 8 to 16 हो गया, और 16 to 25 हो गया 9, क्योंकि इसमें पॉइंट में वैल्यू जाती नहीं है, तो पॉइंट में जाएगी नहीं भाई, अपने को ये
जीरो दे रखा है, ये वाला जीरो है, ये 25 है, इसमें मेरे को ये और ये लेना है, एक तरीके से 1, 2, 3 गैप मेरे को चाहिए, तो 25 में 3 डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 8 वाली वैल्यू है, तो बस वही वैल्यू चल रही है अपने पास, ठीक है। तो ये हमने बस एक एक कलर पिक करते गए, कलर हो गया खत्म, अब कलर बना लो, कहाँ गया अपना कलर, ये रहा अपना कलर, ये है जीरो, जीरो पे है मैरून टाइप का ऐसा डार्क कलर, और यही डार्क कलर मैंने कर दिया कॉपी, ये हो गया कॉपी, और ये डार्क कलर मैंने डाल दिया यहां पे पेस्ट। हमने देखा है मरून कहां कहां आ रहा है, जीरो पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है, और 50 पे आ रहा है, ये लोकेशन क्या है 50, यहां भी डाल दिया हमने सेम कलर, ये लो खत्म अपना काम। अब आ जाओ 25, ये आ गया 25, 25 पे व्हाइट, इस पे कर दिया हमने व्हाइट, 75 पे व्हाइट, ये हमने 75, यहाँ पे भी आ गया व्हाइट, चलो ये भी हो गया। अब 25 के अंदर आ जाते 8 और 16, ये हुआ 8, ये हुआ 16, 8 पे रखना है अपने को रेड, ये हो गया रेड, 16 पे रखना है अपने को ऑरेंज, ये हो गया ऑरेंज, ठीक है। फिर 34 पे ऑरेंज, 42 पे रेड, 34 पे ऑरेंज, 42 पे रखना है अपने को रेड, तो सेम कलर चाहिए रेड का, हमने रेड की कॉपी करी और यहां हमने पुट कर दिया रेड, तो हमारा कहां तक हो गया 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब 50 + 8, 58 पे हो गया रेड, 58 पे रेड हो गया, और एक 92 पे भी रेड है, तो हम 92 भी लिख ही दे, रेड का पोर्शन खत्म। ऑरेंज अब 66 पे, ये 66 इस पे ऑरेंज है, ऑरेंज लिया हमने यहां से, कॉपी किया कोड इसका, और इस पे ऑरेंज ने किस पे करना, हाँ इसी पे अपने को ऑरेंज करना है 66 पे, यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, डन। अब ऑरेंज और है 84 पे है, यहाँ क्लिक किया, 84 टाइप किया, यहाँ ऑरेंज आ गया, ये बन गया अपना कलर, ठीक है। अब इसमें हमने सेम कलर पिक नहीं किया है, अपने अकॉर्डिंग ब्राइट कलर लिए हैं, क्योंकि ये जेपीजी है तो हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो ये बन गया, मैंने न्यू पे क्लिक किया, ये मेरा कलर बन गया यहाँ पे, ठीक है, ओके, मैंने सेव कर दिया, इन सबको मैंने हटाया, नहीं मेरे को ऐसा लेना है। तो अब मैंने क्या किया, अब करने के कुछ भी तरीके हो सकते हैं, आपकी मर्जी हो जैसे आप कर सकते हो। मैंने इलिप्स टूल लिया मार्की में, ये लिया, मूव टूल पे क्लिक किया, यहाँ से मार्किंग सेट कर ली इसकी सेंटर की, ये मेरे को सेंटर मिल गया, न्यू लेयर है मेरे पास में, कंट्रोल डी एक बार कर दिया मैंने, गलती से कर दिया, चलो वापस हम ले आते हैं, हम ग्रेडियंट पे आते हैं, कोनिकल लेते हैं, सेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ तक छोड़ते हैं, ये लो हो गया। अब अपने को सेट करना है कि भाई व्हाइट कम दिखे, ऑरेंज ज्यादा दिखे, रेड ज्यादा दिखे, तो ये रहे अपने कलर वेरिएशन। व्हाइट कम दिखाना है तो ये लो, इस ऑरेंज को और पास तक कर दो एक गोली, ठीक है, फिर सब चीज में आपको वैसे सेट करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं करते हो इस टाइप से कि इनको वापस अपनी जगह पे रख दो, ये किस पे था, 16 पे था, ठीक है, सॉरी ये किस पे था, 34 पे, तो इनके जो मिडिल पॉइंट है इनको आप ड्रैग कर सकते हो ऐसे, अब यहाँ व्हाइट कम हो गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, रूलर से एक बार हटा देते हैं हम लोग, ये मैंने रूलर हटा दिए, इसी लेयर को फिर से डुप्लीकेट किया क्योंकि मैं सेम से ही वर्क करना चाह रहा हूँ। इसको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक करके सिलेक्शन किया, इसमें कलर डाल दिया ब्लैक, कंट्रोल डी किया, मूव टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से शिफ्ट और ऑल्ट के साथ में, जिससे प्रोपोर्शनेट और कंसेंट्रिक हो, उसके साथ में इसको इतना रखा ऑलमोस्ट, ओके किया, थोड़ा सा जूम किया, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्शन किया, इसको हाइड किया, इस लेयर को फिर से सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। अब ये बीच में होल हो गया इस वाली लेयर के, ठीक है, कंट्रोल डी किया, इसको शो किया फिर से और इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद में इसको फिर से थोड़ा छोटा किया, सपोज इतना छोटा करने के बाद इसको सिलेक्शन किया, इसको हाइड कर दिया, नीचे वाले ब्लैक पे गए और उसको डिलीट कर दिया,
तो उसका इतना एरिया डिलीट हो गया, तो ये आपकी बाउंड्री भी बन गई। इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये जो अपनी सीढ़ी बनी थी मैंने इसकी डुप्लीकेट लेयर करी, इसको नीचे की तरफ रखा, इसको सेलेक्ट किया और इसके अंदर कलर कर दिया ब्लैक, ठीक है, कंट्रोल डी, ये रहा, यहाँ दिखेगा या नहीं दिखेगा क्योंकि पीछे छुप रहा है, और यहाँ क्लिक करके शिफ्ट ऑल्ट किया, थोड़ा सा बढ़ाया, और भी थोड़ा छोटा, वो ज्यादा बड़ा हो रहा है, बस इतना, जिससे कि इसकी डेप्थ दिखे अपने को, ये जैसे रियलिस्टिक लगेगी, ये देखो ऐसे कर सकते। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो चीजें बनेगी। दूसरा, अब जैसे ये है, अब इसके अंदर ये आ रहा है, ये जो ऐसे ग्लो ग्लो आ रहा है, ठीक है, ग्लो भी कर देते हैं। मैंने क्या किया, यही तो है, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके, न्यू लेयर में करेंगे तो न्यू में कर दिया, अब इसको वर्क न्यू लेयर में होगा। हमने ब्रश ली और कलर हमने लिया व्हाइट, और ब्रश ली सॉफ्ट एज, और इसको इतना करके मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया ऐसे, फिर थोड़ा बड़ा किया इसको, इसकी ओपेसिटी डाउन करी और इसको ऐसे कर दिया, ये लो ये ग्लो जैसा लगने लग गया। सेम चीज मैं यहाँ कर दूं कि थोड़ा ग्लो यहाँ बना दिया, छोटा किया ब्रश को, ओपेसिटी फुल कर दी और यहाँ ये लगा दिया, यहाँ कर दो कि यहाँ ये लग गया, साइज बड़ा किया, ओपेसिटी डाउन की और ये ग्रेडियंट जैसा लगा दिया, ये लो। ऐसे भी ग्लो कर सकते हो। तो ये जो दिख रहा है, ग्लो करना है, कुछ भी करना है, आपके ऊपर है क्या करना है। आप लोग हर तरीके के कलर डालने का मेथड आपको पता है, फिल कलर कर सकते हो, ग्रेडियंट कर सकते हो, ब्रश से डाल सकते हो, सिलेक्शन करके डाल सकते हो। अब इसमें नई चीज कोई भी नहीं है, नई कि कुछ नया हो गया, सब कुछ वही है जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक। अब बताओ चीज समझ में आई क्या? यस सर, अब समझ आ गया। सर, वो जो सिलेक्ट करते हैं वो कंट्रोल प्रेस करके होता है? कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक करोगे तो पूरी फाइल के अंदर, लेयर के अंदर जो भी होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन बन जाएगा उसका। ओके पूजा, अब क्लियर हो गया ग्रेडियंट टूल? यस, आ गया समझ में? हाँ सर, करूंगी, है ना। इस तरीके से आप ग्रेडियंट डिजाइन कर सकते हो। ग्रेडियंट से काफी सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है और रियलिस्टिक भी बन जाती है, क्योंकि जो भी रियलिस्टिक हम देखते हैं उसके अंदर ओनली ग्रेडियंट ही होता है। तो अगर ग्रेडियंट ढंग से कर लोगे तो इजीली काफी सारी चीज बना सकते हो, इवन बैकग्राउंड्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो आप।